अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ग्रैनीज़ रसोई। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप तमाम के रोज़ों को, इबादतों को कबूल करिए, दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करे। चलिए मैं आज आपको आलू के भजिए और अंडा बोंडे की रेसिपी बताऊँगी। उसके लिए हमें चाहिए, मैंने थोड़े से अंडे बॉईल कर लिए और उसको ऐसे आधे आधे काट के रख लिए हैं, और ये आलू को अच्छे से स्लाइस कर लिए हैं मैंने, और इसको नमक के पानी में भिगो ली मैं। और यहाँ पे मैं 3 सालन के चमचों के हिसाब से बेसन ली हूँ, और 1 टीस्पून में लाल मिर्च ली हूँ, 1 टीस्पून में नमक ली हूँ, आप अपने जायके के हिसाब से डालिए, और 2 चुटकी हल्दी ली हूँ, और 1 टीस्पून जीरा ली हूँ मैं, और 1 चुटकी सोडा ली हूँ। सोडे का इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, रमज़ान में ज़्यादा सोडा खाने से पेट ख़राब हो जाता। चलिए अब हम इस साइड में, यहाँ पे तेल में चूल्हे पे चढ़ा ली हूँ गर्म होने के लिए। अब हम इसको बेसन को अब हम भिगा लेते हैं। मैंने हाथ अपने अच्छे से धो लिए, आप लोग भी अपने हाथ जो है धो के किचन में आइए हैंड वॉश करके। ये मैं सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लूँगी, अच्छे से इसको मिला लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसको मिक्स करिए। अच्छे से इसको मिक्स करिए, थोड़ा सा ये इसका बैटर जो है थोड़ा सा पतला रहना चाहिए, ना ज्यादा घट ना ज्यादा पतला। देखिए इसको अच्छे से इस तरह से फेंटिए, इससे आपका बेसन अच्छा मिक्स हो जाएगा अच्छे से। एक आध मिनट के लिए इसको आप ऐसा फेंट लीजिए, बल्कि बेहतर यह रहता कि आप बेसन को भिगा के इसको एक 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना, वो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए हम पहले आलू के जो है भजिए तलते हैं। इसको अच्छे से कोट करके आप फिर इसमें तेल में डालिए। ये भजिए अच्छे से फूलना चाहिए। इसके ऊपर आप थोड़ा ऐसा तेल ऊपर से ऐसा डाल के इसको ऐसे पलटाइए। ये देखिए ये अच्छे से हल्के ब्राउन हो गए, अब मैं इसको निकाल दूंगी। ये मैं प्लेट में ऐसा टिश्यू डाल के रखी हुई हूँ। अब हम ये अंडा बोंडा बनाएंगे। अंडे को आप बैटर में अच्छे से मिक्स करके, अच्छी कोटिंग करके फिर इसमें डालिए तेल में। ये अच्छा सा हल्का ब्राउन होने के बाद मैं इसको पलट दूंगी। बहुत सारे लोग साबित अंडे को बैटर में डिप करके फिर उसके बाद जो है तलते, लेकिन उससे ये होता कि बाज वक्त अंडा जो है एकदम से फूट जाता है, तो उससे छाले आने का डर होता। कभी भी आप अंडे को आधा करके इसको बेसन में जो है डिप करिए, वो ज़्यादा सेफ रहता। ये बस अब होने वाले हैं, ये हो गए, अब मैं इसको निकाल लूंगी। ये ब्राउन हो गए देखिए आप। चलिए ये अंडा बोंडा और आलू के भजिए रेडी है, तो खाइए, बनाइए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, अल्लाह ताला हम सबको ये वायरस से महफूज रखे, और हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।